अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजुकेशन अपडेट्स पर वेलकम करता हूं। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है। नोबल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। स्कॉलरशिप की कुल मालियत 4 लाख रुपए है, जो कि टॉप 20 स्टूडेंट्स में डिवाइड किए जाएंगे। अप्लाई करने वाले या टेस्ट में अपेयर होने वाले हर जो है वो स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, यह तमाम तरह डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल एंड जॉब अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो मैं एडवर्टाइजमेंट पर आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया, इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा केपीके के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सूबों के लिए वह अनाउंस किया जाएगा, जैसे ही अनाउंस होगा उस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जिस पे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया स्कॉलरशिप, इसमें केपीके के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। माली तौर पर गैर मुस्तहकम, तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद, होनहार और जहीन तालबिलों के लिए टैलेंट स्कॉलरशिप टेस्ट का जो है वो ऐलान किया गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के बासलाहियत तलबा के लिए तलीमी वज़ाइफ के मौके। अब नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन सी स्पेशल जो है वो एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जनरली आप लोगों को बता दूं, 14 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, 14 साल से कम नहीं कर सकते, यानी BA BSc। ठीक है, अब मैं एक बार जल्दी से ये बता भी देता हूँ कौन कर सकते हैं। BA BSc वाले कर सकते हैं, BCS, BEd, ADA, ADS, Form D, BTech, ठीक है, DPT, LLB, MBBS, BDS, DVM, Nursing, BCom, BE, BS, MA, MSc, MCom, BBA, MBA, CA and ACCA। ये प्रोग्राम है जो कि एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। इन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे 14 साल एजुकेशन वाले, 16 साल वाले, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले यहां पे देखें, स्कॉलरशिप की कुल मालियत 4 लाख रुपए है, जो कि टॉप 20 स्टूडेंट्स को जो है वो डिवाइड की जाएगी। अब टॉप 20 कैसे निकालेंगे, इसका एक टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट जो है क्लियर करेगा और टॉप 20 जो है वो सिलेक्ट होंगे और उनको ये जो है वो 4 लाख डिवाइड किया जाएगा। अब कितना बनता है, 20,000 रुपए बनते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन। सिलेक्शन टेस्ट जो है के बाद ओपन मेरिट की बुनियाद पर होगा। केपीके के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट केपीके के तलीमी सिलेबस के मुताबिक लिया जाएगा। सिलेबस भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। शिरकत करने वाले तमाम तलबा को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। दरखास्त फॉर्म जो है इस वेबसाइट पर मौजूद है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जून 2022 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अब आप जो है वो मोबाइल यूजर हैं या PC यूजर हैं, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने PC से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में जाकर आपने लिखना है nta.org.pk। नोबल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो, प्रोसेसिंग एजेंसी जो है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहा है जी पाकिस्तान टैलेंट जो है वो KP 2022, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है। सिंपल आपने रेड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एक ऐड आएगा, इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद ये कुछ इस तरह डिटेल से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखें जी, ये ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे कि यहाँ पर सबसे पहले आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक हेयर के। अब एडवर्टाइजमेंट कौन सी है, एडवर्टाइजमेंट जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने आ जाए जिसे आप अपने मोबाइल या PC में सेव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बाद में चलेंगे। यहाँ पे है जी टेस्ट सिलेबस, इसके सामने क्लिक हेयर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेस्ट सिलेबस है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए अप्लाई हो रहा है, अभी टेस्ट सिलेबस जो है वो यहाँ पर अपलोड नहीं किया हुआ, ठीक है। जैसे ही अप्लाई कर देंगे और बच्चे तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो उसके फौरन बाद जो है वो टेस्ट जो है वो सिलेबस आ जाएगा। यानी ये भी देख लें कि अप्लाइंग प्रोसीजर के दरमियान ही आपको टेस्ट सिलेबस मिल जाए या जैसे ही इसकी डेट एंड हो उसके फौरन बाद आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये इसी लिंक से आप जो है वो टेस्ट सिलेबस जो है वो डाउनलोड करना है।
अब टेस्ट सिलेबस क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, आपने कौन सी आउटलाइंस की तैयारी करनी है, आपका टेस्ट जो है वो किन आउटलाइंस के मुताबिक आएगा, ठीक है। बाकी रोल नंबर स्लिप है वो भी यहां से आप डाउनलोड करेंगे, सारे लिंक्स यहां पे अवेलेबल होंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के सामने क्लिक कह रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देखें ये ओपन हो रहा है, जैसे ओपन होता है मैं आपके सामने शो करता हूं, ओपन हो चुका है, ठीक है। यहां पे इसको थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि क्लियर नजर आ सके। यहां पे देखें जी पाकिस्तान टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे रेगुलर स्टूडेंट ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है इन्होंने। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, इसकी टेस्ट की फी है 380 रुपए, ठीक है। 380 रुपए आपने बैंक में पे करने, इजी पैसा के थ्रू भी आप पे कर सकते हो घर बैठे हुए, ठीक है। यहां पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज जो है वो पिक्चर अटैच करनी है गम के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी आ रहे हैं, अब ये केपीके के सारे सिटीज में दिए गए हैं, यहां से आप जो है वो सेंटर मेंशन कर सकते हैं किस सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो यहां पर जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट ले लेना है और आपने जो है वो हैंड के साथ बाय हैंड इसको फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है ये, आपका नेम, फादर नेम, कैंडिडेट जेंडर वगैरह आएगा, फादर ऑक्यूपेशन मतलब क्या है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, जॉब होल्डर है, जो भी टीचर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, आपका पर्सनल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेकंड पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और फादर नेम लिखना है, ठीक है। डेट आपने, कैंडिडेट सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, अगर आप मेल हैं तो यानी कि बॉय हैं तो लेफ्ट साइड का आपने यहाँ पर अपना जो है वो थंब इंप्रेशन जो है वो ऐड करना है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने राइट साइड का, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन की गई है। अब यहाँ पे उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से। उनका कहना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है, आपने दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऐड करने हैं, कॉपी ऑफ CNIC आपके शिनाख्ती कार्ड की जो कॉपी है वो आपने अटैच करनी है, अपना लोकल डोमिसाइल जो होता है वो अटैच करना है, ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप है वो अटैच करनी है। उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। PHA Flats F13 Street 97 Block E 12G11/3 Islamabad, यहां पर, ठीक है। बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होंगे, टेस्ट सेंटर में मोबाइल फोन की इजाजत नहीं होगी, ठीक है। बाकी तमाम तरह डिटेल्स इसी वेबसाइट से वो कह रहे हैं आपको मिलती रहेंगी। अब यहां पर देखें जी, यहां पर एक नोट लिखा हुआ है, इसे आप लाजमी रीड कर लें। तमाम तलबा तालबात प्राइवेट रेगुलर जिनकी एजुकेशन अभी जारी है या फिर 2021 या 2022 में मुकम्मल हो चुकी है, अप्लाई करने के अहल हैं, ठीक है। 2020 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 2021 और 2022 वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जारी है या फिर आपने मुकम्मल कर ली है। तमाम जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको टेस्ट और रोल नंबर स्लिप बजरिया SMS उसकी इतला दी जाएगी। दरखास्त भी बैंक के अलावा इजी पैसा के जरिए भी जमा करवाई जा सकती है। इजी पैसा के जरिए फी जमा ट्रांजेक्शन स्लिप दरखास्त फॉर्म के साथ जरूर मुंसलिक करें, यानी कि आप जब इजी पैसा के थ्रू फी पे करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो ट्रांजेक्शन स्लिप आ जाती है, आप उसकी डाउनलोड उसका प्रिंट निकालें और साथ में अटैच कर दें। उनका कहना है कि बैंक चलान या ट्रांजेक्शन स्लिप के बगैर जो है ना वो आपकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके। स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, यहाँ पे देखें ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें, किसी भी किस्म का इशू हो आप इनसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नीचे जो है वो कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म को अर्साल करने का एड्रेस यहाँ पे मेंशन, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास चालान आ जाएगा, ये देखें ये चालान है, ठीक है। इसका आपने जो है प्रिंट लेना है, इसको फिल करना है, अपना नाम, फादर नेम, CNIC नंबर, ये सारी डिटेल, 380 रुपए आपने पे करने हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप HBL के थ्रू भी फी जमा करवा सकते हो, HBL बैंक, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हो और उसके बाद UBL के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर, इजी पैसा के थ्रू करना है तो ये सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके थ्रू आप फी जमा करवा सकते हैं, ओके। हो गया व्यूअर्स, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून 2022 है। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।